हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट आरो। आज मैं जिस टॉपिक ट्रेनिंग कर रही हूँ वो है बिहाइंड द सीन। लेट्स सी, देखते हैं बिहाइंड द सीन आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ओवरऑल अपनी लाइफ को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, बिहाइंड द सीन। टाइमलेस रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, और मैं साइंस नहीं बताती क्योंकि सारे साइंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जितनी रेजोनेट करें उतनी रखें, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ दें। लाइक करें, शेयर करें और रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। बिहाइंड द सीन, आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है? बिहाइंड द सीन, इस कनेक्शन में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है? द एम्परर, आपके पर्सन काफी ईगोस्टिक है। ठीक है, ये पर्सन स्टबर्न पर्सन है। ठीक है, अपने एक स्टबर्न एनर्जी की वजह से, अपने एक जिद्दी नेचर की वजह से ये पर्सन जैसे कोई एक्ट नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। बिहाइंड द सीन ये पर्सन अपने आप को सबसे पहले हील कर रहा है और अपने आप में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हर्मिट मूड पे रहा है बहुत टाइम से। बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग, मेल है या फीमेल है इसके अंदर, बहुत एक स्ट्रांग जैसे एक मेल की तरह एक्ट करने वाली एनर्जी है। अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा स्टबर्न और डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी, और अगर फीमेल है वो भी बहुत एक बहुत ज़्यादा जैसे ईगो में रहना कि मतलब कि सब कुछ हो सकता है, ये इंसान नहीं झुक सकता, सब कुछ हो सकता है यहाँ पर। गलती किसी की भी हो, इस इंसान की गलती नहीं हो सकती, कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, मेल या फीमेल। मतलब कि अपनी गलती नहीं माननी, अपनी गलती, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करना, वो वाली एनर्जी है। ये पर्सन इस वक्त ईगो में बैठा हुआ है। बिहाइंड द सीन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो में ऑपरेट कर रहे हैं अभी भी, जैसे अपने आप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को नॉर्मल रूटीन की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्शन लेने की बात की जाए, अगर मूवमेंट करने की बात की जाए, तो ये पर्सन बहुत स्टबर्न, बहुत जैसे एक जिद में आया हुआ है। एक इस पर्सन को लगता है इसकी कोई मिस्टेक नहीं है, इस पर्सन को ऐसा लगता है इसने कुछ गलत नहीं करा। वेट, क्लैरिफाई द एम्परर। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई दी एम्परर। बिल्कुल, ये पर्सन सिंगल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, अपने वर्क पे काम कर रहा है। ये हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है। ठीक है, अपनी लाइफ में ये पर्सन सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल ही ग्रो कर रहा है। अपने अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपने सेल्फ पे, अपने आप को कैसे खुश रखना है। ठीक है, अपने आप को कैसे हील करना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, हर्ट है ये पर्सन, जैसे एक पेन है इसके अंदर। ये इस पर्सन की लाइफ में जैसे लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, एक पेजेस की एनर्जी है। ठीक है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप ये पर्सन इस हर्टफुल एनर्जी से निकलना चाहता है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई ना कोई यहाँ पर हार्ट ब्रेक या तो कोई ना कोई ट्रॉमा, कुछ ना कुछ हुआ है इस रिश्ते में। ये पर्सन प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने हार्ट चक्र को। ये अभी भी जैसे चाहे इसने आपको हर्ट किया हो, चाहे मतलब कि आपने इसको हर्ट किया हो, इस पर्सन को ऐसा लगा है कि आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं हर्ट करा है, कोई ना कोई पेन दिया है। मतलब कि आपने किया है, इसने किया है, लेकिन ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने आप को कोल्ड एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने गार्ड्स अप रखे हुए हैं। ठीक है, इसकी लाइफ में लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, पेजेस की एनर्जी है। स्टेप बाय स्टेप ही सिंगल सिंगल जैसे अपने आप को बैलेंस कर रहा है। एक हीलिंग के लिए इसने एक स्टेप जैसे ले लिया है, जिसको अंदर का वूंड है ना, जो एक अंदर से जो पेन तकलीफ जिस पर्सन को जैसे एक ईगो में डाल के रखता है, जो एक इसका ईगो सेल्फ ब्रेक नहीं होके दे रहा है, क्योंकि अंदर एक वूंड है, अंदर इस पर्सन के दिल में कोई हर्ट है, कोई पेन है, कोई पास्ट पेन है, किसी तरीके की इसकी ईगो, जैसे किसी ने पास्ट में आपने नहीं किया, किसी और ने इसकी ईगो को बहुत ज़्यादा हिट किया है। तो एक हर्ट मतलब के पेन तकलीफ, कंप्लीट हीलिंग नहीं है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, ताकि अगर हीलिंग कंप्लीट होती है, पर्सन अपने आप की अपनी मिस्टेक को अपने आप को एनालाइज करता, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे डिवाइन इस पर्सन को हील करने पे
कहीं ना कहीं याद भी आ रही है आपकी एक मिसिंग एनर्जी भी, जैसे स्लोली स्लोली जो हील, इसको जो हील होता है या तो अपने आप को जो एक पीस में लेकर आता है, तो कहीं ना कहीं इसको एक ऐसा लगता है कि हाँ आपको ये पर्सन मिस करता है, आप इसके अंदर अभी भी हैं, आपके लिए ये अभी भी सोचता है, मिसिंग एनर्जी है। थ्री ऑफ कप्स, आपके पर्सन अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कनेक्ट होके, फैमिली के साथ टाइम गुजार के। ये पर्सन थोड़ा सा एक स्टबर्न नेचर में इस वक्त बहुत हर्टफुल, पेन, तकलीफ, ये अपने आप को बैलेंस करना चाह रहा है, ये इम्बैलेंस है अंदर से, ये बैलेंस नहीं है। कितना ही स्ट्रांग दिखले, कितना ही आपको लगे कि इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी लाइफ में, इसको ये अपनी लाइफ में पूरा है, कंप्लीट है, खुश है, नहीं, ये अंदर से हर्ट है, जो इसका जो एक इतना कोल्ड बिहेवियर है इसके पीछे, ये पर्सन बहुत एक पेनफुल एनर्जी में है, ठीक है, इसकी हीलिंग कंप्लीट नहीं है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ये पर्सन अपनी लाइफ में मुकम्मल किसी पास से हील नहीं हुआ हो सका। इसने आपको या तो किसी के साथ जगल किया है, ठीक है, या तो इस पर्सन की लाइफ में कोई रहा है, आपके अलावा भी कोई और रहा है, या तो फैमिली यहाँ पर प्रॉब्लम रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर इश्यूज रहे हैं, ये पर्सन अनहील है, ठीक है। वेट, यहाँ पे देखेंगे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, आपके पार्टनर यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ जैसे मिलना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है, ये आपके साथ जुड़ना चाहता है, ये इस चीज़ को होल्ड कर रहा है ये पर्सन, किंग ऑफ पैंटिकल एंड क्वीन ऑफ पैंटिकल, ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन कनेक्ट होना चाह रहा है, ये होल्ड करके बैठा हुआ है कुछ, ये किसी तरीके का न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ, एक गैदरिंग, मिलना, कनेक्ट होना, मतलब कि कितना ही कोल्ड है लेकिन इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहता है, इस पर्सन ने इस रिश्ते को जैसे होल्ड करके रख लिया है, इसकी मेमोरीज को होल्ड कर लिया है, इन इन इस सब सिचुएशन को होल्ड कर लिया है, ठीक है, स्पार्क अभी भी बाकी है, अट्रैक्शन अभी भी बाकी है, बिहाइंड द सीन ये पर्सन इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके पार्टनर यहाँ पर इस रिश्ते को दोबारा एक मतलब कि एक दोबारा एक रीबर्थ चाहते हैं इस रिश्ते का, क्योंकि इसकी जो इस कनेक्शन की जो मेमोरीज हैं, इस के पास जो इसकी यादें हैं, इससे सब कुछ आपके साथ जो इस पर्सन का टाइम गुजरा है इसने होल्ड कर लिया है, आपकी कंपनी, आपका कनेक्ट होना, आपने जिस तरीके से इसके साथ कनेक्शन बनाया, ये सब इसके लिए इम्पोर्टेंट है। वेट, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स, किसी तरीके के इल्यूजन, यहाँ पे भी थ्री ऑफ सोर्ड्स आया, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स, मून एंड क्वीन ऑफ कप्स, इस पर्सन को पता है, इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है, आपसे झूठ बोले हैं, यहाँ पे बहुत से झूठ है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हाइड की हुई हैं, इस चीज़ का कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है जब ये इस कनेक्शन या आपको समझने का टाइम आया है, या आपको समझना से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर कुछ कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, ठीक है, आपकी तरफ से आप यहाँ पर शायद ये पर्सन पास में आपको लेकर ब्लॉक रहा, मेंटली बहुत स्टक रहा, इस वक्त ये पर्सन अपनी ईगो में है, ठीक है, ये एक ईगोस्टिक, ये अपने ईगोस्टिक बिहेवियर में है, ये अपनी गलती, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ये जानता है इसने आपको हर्ट करा है, इसने आपसे झूठ बोले, इसने आपके साथ तो या तो थर्ड पार्टी को इंटर करा, या तो किसी और की सुनी, किसी तरीके से इसने आपको हर्ट करा है, किसी तरीके से इसने आपको पेन दिया, इसने कुछ आपसे हाइड किया है, कुछ छुपाया, ये जानते हुए भी आप एक इमोशनल पर्सन हैं, आप इसका बुरा नहीं चाहते, इस चीज़ का तकलीफ, इस चीज़ की दर्द, इस चीज़ का हर्ट इसके अंदर है, इस चीज़ का पेन ये फील करता है, ठीक है, लेकिन अपने जैसे अपनी ईगो को डाउन नहीं कर पा रहा, अपनी ईगो को ब्रेक नहीं कर पा रहा, उस ईगोस्टिक नेचर से ये पर्सन जैसे उससे बाहर नहीं निकल पा रहा कि आपकी तरफ किसी तरीके का कोई एक्शन ले सके।
या आपके साथ पास्ट टाइम बहुत ज्यादा सोच रहा है, जब आप लोग के बीच चीजें बेहतर थी, जब आप लोग एक अच्छे पॉइंट पर मिलते थे, या आप लोग जब चीजें आसान थी, जब कुछ हो सकता था, उस टाइम को ये पर्सन सोच रहा है, मिस कर रहा है। ये पर्सन अब इस कनेक्शन से क्या चाहता है बिहाइंड द सीन? द एम्परर एंड द एम्प्रेस, सेकेंड चांस। यहाँ पे एक अवेकनिंग स्टेज है, यहाँ पर आपकी अवेकनिंग हुई है, या तो आप किसी कन्फ्यूजन से बाहर निकल कर आए, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हुए हुए थे, वो एक कन्फ्यूज स्टेट थी, आप समझ नहीं पा रहे थे सिचुएशन में क्या होगा, किसी तरीके की आपकी अवेकनिंग हुई है। क्लैरिफाई द एम्प्रेस, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त कोल्ड हुए हुए हैं, आपने भी अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, आप यहाँ पर जैसे पहल नहीं कर रहे, आप इस सिचुएशन में ही पर्सन जैसे अपने आप को सिंगल ही ग्रो कर रहा है, सिंगल ही इंडिविजुअल सेल्फ पे वर्क कर रहा है, आप अपनी लाइफ में एक सॉलिड बिगनिंग के लिए रेडी हैं, ठीक है, अदरवाइज आपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, अपनी लाइफ में मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, सॉलिड बिगनिंग के लिए, आप अपनी लाइफ में किसी एक सॉलिड स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बिहाइंड द सीन आपके पार्टनर इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब आपने अपने आप का जैसे आपका जो सर्कल था, आपका जो एक अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा मतलब कि आप गार्ड कर लिया है, आपने अपना सर्कल छोटा कर लिया है, या आपने अपने आप को एक एक जैसे एक महदूद कर दिया है, अब आप किसी भी रिश्ते में जाना नहीं चाहते, आप किसी स्टेबिलिटी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पर फैमिली मैरिज को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वरना आप जैसे आप बहुत डिफेंसिव हो चुके हैं, पास्ट में जैसे आप इस रिश्ते में थे भी, जब आपको कुछ नहीं भी मिल रहा था तब भी इंटरेस्टेड थे, आपके पार्टनर बिहाइंड द सीन इस चीज़ को समझ रहे हैं, आपके आपकी सिचुएशन को देख के समझ रहे हैं, आप अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं, अब आप अपना एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर ही एक्सपेक्ट करते हैं, आप किसी एक नेगेटिव या एक चाइल्डिश एनर्जी में एक्ट नहीं करना चाहेंगे, आप किसी भी एक पेजेस की या ब्रेड क्रम्स की एनर्जी में नहीं आना चाहेंगे, आप एक सॉलिड अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर ये बात समझ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि बिहाइंड द सीन ये पर्सन सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ग्रो कर रहा है, जो भी हुआ ये इस चीज़ का एहसास करता है, लेकिन अपनी ईगो को छोड़ नहीं पा रहा, अपने ईगोस्टिक सेल्फ को लेट गो नहीं कर पा रहा, आप कोल्ड हुए हैं इस पर्सन की तरफ, अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपको देख रहा है, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, आपने गार्ड्स अप कर लिया, आप अपनी लाइफ में किसी स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर को ही एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप किसी भी एक मतलब कि किसी भी मैस और किसी भी ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ठीक है, आपने मतलब कि अपने आप को आपने जैसे आपने आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है आपकी क्या वैल्यू है, आपको पता है आपकी क्या वर्थ है, ठीक है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और इस रिश्ते के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, बैलेंस, ग्राउंडेड एनर्जी, ठीक है, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, ट्वाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर था, तो बहुत सारे कार्ड थे तो इसलिए सिंपल कार्ड नहीं, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर किसी तरीके का स्टेबल डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, ठीक है, ये इस वक्त साइलेंट है, ये पर्सन इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाह रहा है दोबारा, ठीक है, यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब कि ये पर्सन इस चीज़ को आपसे हाइड कर रहा है कि अभी ये पर्सन जैसे गोस्ट कर रहा हो, सकता है आपके साथ कम्युनिकेशन में ना हो, अपना प्लान ना बता रहा हो, आपसे आपके साथ एक साइलेंट एनर्जी पे हो, लेकिन ये पर्सन इस कनेक्शन को दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, एक रीबर्थ चाहता है, एक मतलब के व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, कुछ न्यू स्टार्ट करना, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना, आपके पार्टनर इस रिश्ते में कुछ ना कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड बिगनिंग चाह रहे हैं, ये पर्सन जानता है कि यहाँ पर अब स्टेबिलिटी से ही स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ प्लान कर रहा है ये पर्सन, कुछ छुपा रहा है आपसे, अभी आपको कुछ बताना नहीं चाहता, इस रिश्ते को लेकर कुछ स्टेबल सोच रहा है ये पर्सन, ग्राउंडेड सोच रहा है, लेकिन अभी साइलेंट है प्रिस्टिस की एनर्जी है, इंट्यूटिवली ये पर्सन जैसे डिवाइन की गाइडेंस ले रहा है, श्योर होना चाह रहा है, एक श्योरिटी के साथ यहाँ पर कुछ लेकर आना चाह रहा है, किसी इम्बैलेंस एनर्जी में इस रिश्ते में नहीं आना चाह रहा ये पर्सन, ठीक है, बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, वेट अजान के बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ स्टडी को, ठीक है, सन की एनर्जी है, आपके पार्टनर यहाँ पर कुछ इस वक्त आपसे हाइड कर रहे हैं, कुछ मतलब कि कुछ सॉलिड प्लानिंग है आपके पर्सन के पास, कुछ इस वक्त ये गोस्ट भी कर रहे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है आपको लग रहा हो ये पर्सन ईगो में है, ये सिचुएशन एंड ही,
एंड हो गई, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल नहीं रहा और ये पर्सन उस चीज़ का सोचता नहीं है। तो ये पर्सन कुछ ना कुछ यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी को स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ हाइड कर रहा है। ये पर्सन कुछ स्टेबिलिटी पे सोच रहा है, आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। एक सीक्रेटिव एनर्जी है द व्हील, जैसे मतलब कि इस सिचुएशन को अगर ये एंड हो चुकी है तो आपके साथ किसी नई सीरीज से स्टार्ट करना इस पर्सन के माइंड में चल रहा है। इस सिचुएशन को एक नए लेवल पर स्टार्ट करना, आपके साथ कुछ कुछ न्यू बिगिन करना, ठीक है। क्लैरिफाई सन, यहाँ पर सन की एनर्जी क्यों है, बिहाइंड द सीन इस सिचुएशन में क्या चल रहा है। आपके पर्सन आपको इस वक्त स्टबर्न और एक टॉक्सिक बिहेवियर की तरह ही दिख रहे होंगे, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर जैसे एक अनएक्सपेक्टेड कोई न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा एक इमोशनली बाउंड आप लोगों का बॉन्ड, आप लोगों का बहुत स्ट्रांग हो सकता है इस पर्सन से बॉन्ड, बहुत मतलब कि रिस्क टेकिंग, ठीक है। ये पर्सन इमोशनली ओपन अप आपके साथ होना चाह रहा है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड वे में ऐसा हो सकता है पास्ट एंड, ये पर्सन इस चीज़ को सोच रहा है बिहाइंड द सीन कि जो चीज़ एंड हो गई, जो चीज़ ख़त्म हो गई, उसको एंड करके एक रिस्क टेकिंग करे, इमोशनली ओपन अप, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है इस पर्सन के इमोशंस काफ़ी ज़्यादा डीप और गहरे होते जा रहे हैं आपके आपके लिए वक्त के साथ, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल रह रहा है, मतलब कि हो रहा है ये पर्सन, इमोशंस इस पर्सन के एक हाई हो रहे, ठीक है, आपको लेकर। आपके पार्टनर किसी तरीके की क्लैरिटी देख रहे हैं रिश्ते में, ठीक है। एट ऑफ पैंटिकल, ये पर्सन यहाँ पर वर्क करना चाह रहा है दोबारा। यहाँ पे टावर की एनर्जी है, जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक सेकंड चांस इस रिश्ते को देना चाहिए। अगर पास्ट में आपके पर्सन इस रिश्ते को स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरह नहीं देख रहे थे, ये पर्सन एक टॉक्सिसिटी से निकल कर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर स्ट्रॉन्गली स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, ठीक है। मतलब कि एक टॉक्सिसिटी से निकल कर ये कनेक्शन आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस और इमोशनल कनेक्शन बनने जा रहा है, बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन से निकल कर। क्लैरिफाई एट ऑफ पैंटिकल, आपके पार्टनर इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ में अदरवाइज स्टक हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ की कंफ्यूजन से निकलना चाहते हैं। आपके पर्सन जैसे इस अब जो इस वो जानते हैं ये रिश्ता ओल्ड है, अब वो किसी और नए रिश्ते में जाएंगे तो उसकी रूट्स मजबूत करने में, उसको जानने में, उसको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। उस कनेक्शन को मजबूत करके इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की स्टकनेस को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते पर फोकस करना चाहते हैं, शायद उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा सीरियस होकर इस रिश्ते पर काम नहीं करा, वर्क नहीं करा, इस रिश्ते को कभी सीरियस नहीं लिया, तो ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पर इस कनेक्शन को सीरियस लेना चाह रहा है, इस रिश्ते पर काम करना चाह रहा है, वर्क करना चाह रहा है। मतलब कि इस पर्सन का माइंड चल रहा है एक सेकेंड चांस देकर देखा जाए, एक न्यू बिगनिंग, एक अपने आप को फुली डिवोटेड और डेडिकेटेड इस रिश्ते को कर बनाया जाए, इसको इसके अंदर एक तो जैसे बुनियाद डाली जाए। इस पर्सन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक स्टक हुआ हुआ है अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ ये पर्सन रास्ता निकालना चाहता है इस रिश्ते पे वर्क करने के, तो इस पर्सन ये पर्सन जानता है एक पोटेंशियल है इस रिश्ते में, एक आप लोग के रिश्ते में एक स्ट्रांग पोटेंशियल है, ठीक है। ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है, आपको आपसे आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, ये आपसे आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है, ये आपसे अभी भी जैसे कनेक्टेड ही फील कर रहा है, चाहे आप लोग के बीच रिश्ते में कुछ भी हो चुका हो, ठीक है, कनेक्टेड फील कर रहा है, लेकिन जैसे कि एक्शन तो लेगा ये पर्सन। ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगे थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी है, ठीक है, ये सक्सेस चाहेगा, एक्शन लेगा, सक्सेस चाहेगा, होल्ड करने वाला है, कंट्रोल करने वाला है, अपने तरीके से चीज़ों को चलाने वाला है, लेकिन ये सक्सेस चाहेगा। आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो कम्युनिकेशन यहाँ पर आउटकम में हो सकती है, एट ऑफ फैंस की एनर्जी है, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सकती है इस कनेक्शन में। ऐसा हो सकता है मैरिज और कमिटमेंट की बात हो, आप फर्स्ट टाइम इस पर्सन से सुने कि ये पर्सन कुछ आपके साथ आप इस रिश्ते में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वैसे भी क्लियर कट कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ क्या फ्यूचर है, ठीक है, आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्लियर कट कम्युनिकेशन इस पर्सन से चाह रहे हैं, आपके माइंड में भी एक क्लियर कट कम्युनिकेशन है, आप जो चाह रहे हैं इस पर्सन से आपके साथ हो, ठीक है।
आप जानना चाहते हैं कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है या तो यहाँ पर अभी भी कुछ बाकी है। डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक रीबर्थ हो गया नहीं होगा, या तो ये एक इमोशनल लॉस से जा रहा है, मतलब कि आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं अभी भी, ठीक है, इस रिश्ते में इस पर्सन से बात करने का, आप किसी तरीके के एक्शन लेने का इस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, किसी तरीके की मूवमेंट करने का इसका इंतजार कर रहे हैं। आप एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में, आपने बहुत ज़्यादा हर्ट देखा है, बहुत ज़्यादा पेन देखा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देखी इस रिश्ते में, क्योंकि आप आपका ड्रीम था एक 10 ऑफ कप्स, ठीक है, आप यहाँ पर बस इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते थे, इमोशनली आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते थे। आप किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग से यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत सीरियस रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है, मतलब कि आपके माइंड सेट इस रिश्ते में कमिटमेंट का था, आप मैरिज का था, आप स्टेबिलिटी को चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ आप लोग के बीच एक को डिपेंडेंसी इशू हो गया, टॉक्सिसिटी हो गई, या यहाँ पर किस एक तरफ से बहुत ज़्यादा एक्शन लिया गया और एक तरफ से जैसे मतलब कि वो बैलेंस नहीं हुआ, एक पर्सन डिफेंसिव रहा, वो अपनी सक्सेस पे बिजी रहा, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी गोल्स पे, लेकिन जो ये पर्सन है वो आप अभी चाहे साइलेंट हो लेकिन ये कुछ प्लान कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अपनी लाइफ में कहीं भी मूव नहीं कर पा रहा, अपनी ज़िंदगी में एक स्टक हुआ हुआ, इसकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो पा रहा, कुछ बदल नहीं पा रहा, अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहा। राइट नाउ ये आपको लेकर किस एनर्जी में है, लेट्स सी, देखते हैं बिहाइंड द सीन आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। इंडिसाइजिव, एक इंडिसाइजिवनेस है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है, आप जो चाह रहे हैं पूछना उस चीज़ के लिए। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफायल, आपके पर्सन का जैसे यहाँ पे चक्रा हीलिंग भी चल रही है, आपके पर्सन एक इंडिसाइजिव एनर्जी में है, ठीक है, तभी ये पर्सन कोल्ड दिख रहा है, तभी ये पर्सन जैसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, या हाई प्रेशर की एनर्जी में चीज़ों को हाइड कर रहा है, खुलकर आपसे बात नहीं कर रहा है। द गार्डन एंड द गेट, आप वेटिंग एनर्जी पे हैं इस पर्सन का, आप एक फाइनल डिसीजन आप देखना चाहते हैं, पर्सन क्या डिसीजन लेना चाहता है। एंजल ऑफ लव, आप लव करते हैं, मतलब कि आपके लिए आप इस पर्सन को मतलब प्योर इंटेंशन, प्योर वाइब रखते हैं, ठीक है, एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, आपने बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन देखा है इस रिश्ते में, फिर एक जैसे ट्वाइस एनर्जी आई है, हार्ट ब्रेकिंग, हैप्पी फैमिली, आपका ड्रीम था यहाँ पर, जैसे आपका दिल टूटा है, जैसे आपका ख्वाब टूटा है, कुछ यहाँ पर आप इस रिश्ते में सोच कर आए थे, ठीक है, आप इस रिश्ते में फैमिली बनाना चाहते थे, मैरिज करना चाहते थे, स्टेबिलिटी करना चाहते थे, आप बहुत टाइम से उस चीज़ का वेट कर रहे थे। हीलर ऑफ द एजेस, आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है, ठीक है, कम्प्लीटली, और आपको भी चाहिए कि अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, अपने आप को हील करें और लाइफ में क्लैरिटी की तरफ देखें, लाइट की तरफ देखें, चाहे इस रिश्ते में हो, चाहे कहीं हो, चाहे विदाउट इस कनेक्शन के हो, ठीक है, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को देखें। गॉडेस ऑफ द मून, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, आपको आपको यहाँ पर इंट्यूशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जैसे कुछ ना कुछ इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल रही है। थर्ड चक्र यहाँ पर, यहाँ पर चक्र हीलिंग भी चल रही है, यहाँ पर कम्युनिटी, कोई ना कोई कम्युनिटी यहाँ पर आप लोगों के बीच है, डिसीट, यहाँ पर ऐसा हो सकता है किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से, कम्युनिटी की वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आई है, केयरिंग कनेक्शन, ठीक है, आप इस पर्सन से एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, आप इस पर्सन से केयर चाहते हैं, लव चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, एक पॉजिटिव वाइब चाहते हैं, आप चाहते हैं पर्सन इस रिश्ते के लिए सोचने के बजाय एक्ट करे, आप एक्शन ले, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करें, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, यहाँ पे ये सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। आप काफ़ी एंजाइटी में, आपको नहीं पता इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है, आप जैसे हिम्मत हार चुके हैं, आपको आप होपलेस हो चुके हैं, आपके पर्सन सोच रहे हैं बस आपके पर्सन का जैसे एक एक अपनी हीलिंग कंप्लीट हो जाए, आपके पार्टनर को जैसे कंप्लीट अपनी हीलिंग कंप्लीट करनी है, चीज़ों को क्लियर कट देखना है, अपने फ्यूचर को क्लियर कट देखना है। ये पर्सन फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा अपने बिजी रहता है, कोई ना कोई आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम है जो आपके पर्सन हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज आपके पर्सन की लाइफ में फैमिली रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंसिस रिलेटेड हो सकते हैं, ये दो इश्यूज आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त हो सकते हैं कि पर्सन बहुत सोच समझ कर इस रिश्ते को चूज करना चाहता है अपनी लाइफ में। अगर ये एक अगर ये विदाउट कोई भी सोचे समझे डिसीजन ले लेगा तो उसकी ज़िंदगी में बहुत से चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब हो सकती हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रखूँगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।